हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 10। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं बायो इक्विवेलेंस डिनोट टू ड्रग्स प्रोडक्ट हैविंग, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस मीन्स होता क्या है, जनरली ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेजर करते हैं दो ड्रग में, ठीक है, दो किसी ड्रग में। जैसे कि आपका ये ए प्रोडक्ट नंबर ए हो गया, ये प्रोडक्ट नंबर बी है। अब इन दोनों ड्रग में हमें क्या करना है, बायो अवेलेबिलिटी को इनका मेजर हमें करना है, कंपैरिजन हमें करना है, तब ये टर्म यूज होता है बायो इक्विवेलेंस। तो अब बताइए बायो अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, ये रेट एंड एक्सटेंट होता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। जितना एब्जॉर्ब ड्रग हो रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब इसी बायो अवेलेबिलिटी का जब हम दो प्रोडक्ट में मेजर करेंगे तो वो टर्म कहलाता है बायो इक्विवेलेंस। जब दो ड्रग के रेट और एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन के सेम होते हैं तब वो ड्रग बायो इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम बायो इक्विवेलेंस कहेंगे भाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टर्म था और ये क्विक फास्ट आपका हो गया। चलिए इसी प्रकार से जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे। द ड्रग एक्टिंग ऑन माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज, ठीक है। माइटोटिक फेज मीन्स क्या हो गया, एम फेज, ठीक है, एम फेज, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एंटी कैंसर के सारे क्लासिफिकेशन याद करवा दिए थे ट्रिक से प्रीवियस क्लास में, पायरिमिडीन, पायरीन, फोलेट एंटागोनिस्ट, साथ ही एल्किलेटिंग एजेंट, इन सभी का मैंने ट्रिक आपको बताया है। और मैंने एक ड्रग बताया था जो कि क्या करता था, माइक्रो ट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट होते थे, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट होते थे जिनको, जो कि कौन थे, हमारे विनक्रिस्टिन, ठीक है। विनक्रिस्टिन क्या है आपका, जो विनका से ऑप्टेन होता है, ठीक है, विनका से ऑप्टेन होता है, कैथेरिंथस रोजिया जिसे हम कहते हैं। तो ये जो विनक्रिस्टिन है वही क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट है। इट मीन्स ये माइटोटिक फेज में एक्ट ये करते हैं, ओके। देन आपका 5-फ्लोरोयूरासिल क्या था भाई, ये था आपका पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट। मैंने आपको परी वाला ट्रिक भी बतलाया था, याद करेंगे। मेथोट्रेक्सेट क्या था आपका, इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बतलाया था, जो क्या था आपका, फोलेट एंटागोनिस्ट के लिए बताया था ना पीएम वाली ट्रिक, उसे आपको याद रखनी थी। तो ऐसे ट्रिक करके आप सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। और इन सारे, चलिए अब साइट ऑफ एक्शन की भी बात करते हैं, मीन्स कौन से फेज में कौन से जो ड्रग है वो एक्ट करते हैं, इसे भी एक बार देख जाइए। जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि जो आपका एम फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज में कौन एक्ट कर रहा था, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सारे ड्रग हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट थे, ठीक है। फेज जीरो हो गया रेस्टिंग फेज, ठीक है, और आप देख सकते हैं G1 फेज में दिया गया ड्रग है, उन्हें आप देख सकते हैं कौन कौन से ड्रग है जो एक्ट करते हैं एस फेज में, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही साइक्लोफॉस्फामाइड, तो इनको एक बार जरूर से आप देख जाइएगा, और वैसे हमने ट्रिक इनका देख ही लिया है। आगे चलते हैं, एन एंटी कैंसर ड्रग विच क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर इज, ठीक है। अब इनमें से कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, तो ऐसे ड्रग जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है वही क्या कर सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये BBB को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जिनकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी सबसे हाई है, तो हम बात करेंगे नाइट्रोसोयूरिया, ठीक है। ये जो नाइट्रोसोयूरिया है इनकी क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। इसीलिए ब्लड जो आपका एंटी कैंसर ड्रग है, जो कि जैसे कि हम लोग बात कर लें जो मेनिनजियल, ठीक है, मेनिनजियल जो ल्यूकेमिया होता है उनमें ये यूजफुल होते हैं, जैसे कि ब्रेन कैंसर कह लीजिए, ब्रेन कैंसर वाली कंडीशन में फिर इसी नाइट्रोसोयूरिया का यूज़ हम करते हैं, ओके। आगे चले, एस्प्रिन कैन कॉज प्रॉब्लम्स विथ विच ऑफ दिस कंडीशन, एस्प्रिन कौन से ऐसी डिसीज या डिसऑर्डर ऑलरेडी है उस कंडीशन में हम इसे नहीं ले सकते, दिया गया है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनिटाइस, लो ब्लड प्रेशर, तो क्या होना चाहिए, चलिए बताइए। देखिए एस्पिरिन को जब कभी भी हम लेंगे तो ये क्या करेगा, अस्थमा जैसे कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर देता है, ठीक है। तो अस्थमा वाली कंडीशन में लेना क्या हो जाता है, प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो अस्थमा जब कभी भी हो तो इनमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एस्पिरिन का साइड इफेक्ट ही है, ठीक है। अस्थमा है, सेलिसिलिज्म है, पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीज़ में तो एस्पिरिन के साइड इफेक्ट ही है कह सकते हैं। तो और यदि हम इसी कंडीशन में लेते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होती है,
ओके आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन इज ऑप्टेन फ्रॉम फंगस। जिब्रेलिन कौन से फंगस से ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। तो यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर जिब्रेलिन दिया गया है, यहाँ पर भी क्या दिया गया है, जिब्रेला फ्यूजिकोरॉय, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जिब्रेला फ्यूजिकोरॉय, जिब्रेलिन से याद रखिएगा, ठीक है। जिसको पहले क्या कहा जाता था, इसी जिब्रेला फ्यूजिकोरॉय को क्या कहते थे हम लोग, फ्यूजेरियम हेट्रो स्पर्मम कहा जाता था, ठीक है। राइस में ये पाए जाते थे, ये जो आपके फंगस से ऑप्टेन होते हैं जिब्रेलिन। आगे बढ़ते हैं, विच एंटीपिलेप्टिक ड्रग हैज वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्शन, ठीक है। ऐसा कौन सा एंटीपिलेप्टिक मीन्स एंटी सीजर ड्रग, ठीक है, एंटी सीजर ड्रग कह लीजिए, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कह लीजिए, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ड्रग है, वो है आपका टोपिरामेट, ठीक है। टोपिरामेट ऐसा ड्रग है जो कि क्या है, आपके एंटीपिलेप्टिक में भी आएंगे और क्या है, साथ ही एक्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की तरह, और इनकी एक्शन बता दें, सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करेंगे और साथ ही साथ ग्लूटामेट रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक करते हैं। देख लीजिए इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तीन तीन काम ये कर रहे हैं। टोपिरामेट क्या करता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर तो है ही, ग्लूटामेट रिसेप्टर को भी इनहिबिट करता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की तरह भी ये एक्ट करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासाइटिक एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल एंड थायोबेंडाजोल इन्वॉल्व्स, ठीक है। मेबेंडाजोल एंड थायोबेंडाजोल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये होते हैं पैरासाइटिक ड्रग, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विथ माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब और कुछ ड्रग है, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग है, वो क्या करेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन का जो स्टिमुलेशन है उन्हें इंक्रीज करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। और एंटी पैरासाइटिक ड्रग जिसके बारे में हमने अभी देखा, आप देख पाएंगे यहाँ पर, जो कि क्या है, आपके मेबेंडाजोल एंड थायोबेंडाजोल, ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के सिंथेसिस को यहाँ पर इनहिबिट ये करेंगे। अब नेक्स्ट एक आया अच्छा क्वेश्चन जो कि है टर्म वाला, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म से, जैसे कि डिस्पोनिया दिया गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, डिस्पोनिया की बात करें तो आपने जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, है ना। तो वैसे ही ये भी एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं जब कभी भी ब्रेथलेसनेस फील करें या फिर डिफ़िकल्टी हो ब्रीथिंग में, तब उस टर्म को हम क्या कहेंगे, डिस्पोनिया कहा जाता है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस फील करेंगे जब हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएँ, तब उस कंडीशन को डिस्पोनिया कहेंगे। अब दिया गया है टैकीपोनिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जब रेस्पिरेटरी रेट है जो इंक्रीज हो जाए, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैकीकार्डिया कब कहते थे, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए उस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया, वैसे ही ट्रैकीपिनिया किसे कहेंगे, जब कभी भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाए तब उसके लिए ट्रैकी यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको पिनिया बस जोड़ देना है, ठीक है। वैसे ही ब्रेडिपिनिया किसे कहेंगे, रेस्पिरेटरी रेट जब डिक्रीज हो जाए, ओके। चलिए ये सारे टर्म हमने देख ही लिया है, ओके, जस्ट सिमिलर है आपके जो हमने ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की बात की थी, ऑलमोस्ट रेट से रिलेटेड है, वहाँ पर कार्डियक रेट से था, यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट से है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ पेशेंट डेवलप्स क्रिस्टेलो यूरिया बाय प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ, ठीक है, क्रिस्टेलो यूरिया किसके, मतलब किस ड्रग को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें या फिर साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टेलो यूरिया किनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जितने भी आपके सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फोनामाइड का एग्जांपल है क्या, कोई दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, पोटेशियम पेनिसिलेट, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, सल्फा डायजिन। तो जी हाँ, ये सल्फा डायजिन क्या होता है, सल्फोनामाइड के ही ड्रग हैं, और इनमें क्या होता है, इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है क्रिस्टेलो यूरिया, ये काउज करते हैं, इट मीन्स एल्किलाइजेशन करते हैं यूरिन का, ठीक है। तो क्रिस्टेलो यूरिया या हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें होती हैं सल्फोनामाइड डेरिवेटिव से। आगे बढ़ते हैं, विच ड्रग डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल एंटीकॉग्यूलेंट। ओरल एंटीकॉग्यूलेंट को क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट है उनको डिक्रीज करते हैं ओरल कॉग्यूलेंट के, कौन है ड्रग, बारबिट्यूरेट, सेफेलोस्पोरिन, लिक्विड पैराफिन। तो यहाँ पर बारबिट्यूरेट जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, ओरल कॉग्यूलेंट जब इनके साथ लिया जाता है तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ओरल कॉग्यूलेंट्स के इफेक्ट को डिक्रीज ये करते हैं। वहीं पर बात करें, सेफेलोस्पोरिन लिया जाएगा जब ओरल एंटीकॉग्यूलेंट के साथ तो ये इंक्रीज करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ
एंटीकॉग्यूलेंट दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, जब कभी हमने क्या लिया, बारबिट्यूरेट लिया, तब ये ओरल एंटीकॉग्यूलेंट के इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, पर हम जब सिफेलोस्पोरिन ले रहे हैं तब ये क्या करते हैं, ओरल एंटीकॉग्यूलेंट के इफेक्ट को बल्कि इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पर यदि हम लिक्विड पैराफिन लेते हैं तब ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं विटामिन के एब्जॉर्प्शन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे टर्म इन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफेलिस इज, सिफेलिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको HECP के क्लास में भी बताया होगा कि सिफेलिस किससे होता है, आपको ट्रिपेनोमा पैलिडियम से होता है। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम इनका क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पहले ही इनका आंसर ही मिल गया है। ठीक है, कोई आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ट्रिपोनेमा पैलिडियम से होता है सिफेलिस। ठीक है, ये आपका मेन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द टेट्रासाइक्लिन कैन बी गिवन इन रेनल टॉक्सिसिटी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो इनको ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, दिया गया है इनमें से कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसको हम रेनल टॉक्सिसिटी में भी दे सकते हैं, इट मीन्स ये ऐसे ड्रग होंगे जो कि रेनल टॉक्सिसिटी नहीं करेंगे, इसीलिए इनको दिया जा रहा है, तो वो कौन सा स्पेशल ड्रग है, तो वो है आपके डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दिया गया एंटीबॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड इज। ठीक है, ऐसा कौन सा एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज हैं जो कि क्या करेंगे, मीन्स एंटीबॉडी मीन्स क्या हो गया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है इनमें से जो कि एग्लूटिनेशन का करता है ब्लड में। ठीक है, वो होता है आपका IgM, IgM होता है रिस्पॉन्सिबल एग्लूटिनेशन के लिए ब्लड में। ठीक है, अब इनकी लोकेशन के साथ इनकी फंक्शन की बात कर लेंगे, जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन हैं जैसे कि IgA जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवा में और टीयर्स में, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कैविटी फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको इन्फेक्शन से यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। IgD की बात करेंगे तो प्रेजेंट होती है सीरम में और लिम्फोसाइट में, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल एंटीजन स्टिमुलेशन ऑफ बीटा सेल्स, ओके, या फिर फेटल एंटीजन रिसेप्टर। IgE की बात करेंगे, आप सभी अच्छे से जानते हैं IgE किस में रिस्पॉन्सिबल है, ये एलर्जी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए IgM क्या है, IgM प्रेजेंट होते हैं सीरम में और ये ब्लड एग्लूटिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द फॉलोइंग सिफेलोस्पोरिन बिलोंग टू फोर्थ जनरेशन। अब देखिए, मैंने आपको जब थर्ड जनरेशन की क्वेश्चन आया था तब मैंने आपको बोला था, ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सफिक्स में जिम नज़र आया तो आँख बंद करके उसे थर्ड जनरेशन लगा दीजिएगा, कहा था। अब देखिए, अब आपको आ गया फोर्थ जनरेशन से क्वेश्चन, तो फोर्थ जनरेशन में क्या ट्रिक लगाइएगा, एक पहले तो वो क्या होते हैं, पेरेंट्रली यूज़ होते हैं, जितने भी फोर्थ जनरेशन के जो सिफेलोस्पोरिन हैं पेरेंट्रली यूज़ होंगे, और देखिए और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना, इनके बीच में ये जो पाई यूज़ होता है, PI यूज़ होगा इनके ड्रग के बीच में, तो ये जो सेफेपिरोम है ये होता है आपका फोर्थ जनरेशन। सेकेंड ड्रग भी आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखला दूं, जैसे कि यहाँ पर सेफेपिरोम दिया गया था, अब सेफेपिरोम। ठीक है, तो ये जो पाई यूज़ होता है वहाँ पर इंडिकेट करना है आपको फोर कभी पूछा जाए तो पाई को याद रखिएगा, ड्रग के बीच में पाई लिखा हुआ नजर आए, इट मीन्स ये फोर्थ जनरेशन होते हैं और पेरेंट्रली यूज़ ये आएंगे। आगे चलते हैं, दिया गया है पाफ इज द एनालॉग ऑफ, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर किसका एनालॉग है भाई, फॉस्फोलिपिड दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, ग्लाइकोपेप्टाइड दिया गया है और स्टेरॉल दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद करिए, ये पाफ क्या होता है, ये होता है आपका ऑटोकॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑटोकॉइड्स, और आपको मैंने ऑटोकॉइड्स के सभी ट्रिक बतलाए थे, आपको हिस्टामिन को हस से याद रखना था, ठीक है, लिपिड्स को आपको याद रखना था PPL से, और आपको याद रखना था जितने भी पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स को आपको याद रखना था पेप्सी बॉय कल आएगा, ठीक है, पेप्सी बॉय कल आएगा की ट्रिक से याद रखना था, तो आपको हस से क्या याद रहेगा, एच से आपको हिस्टामिन बतलाया था, ए से आपको क्या याद रखना है कि ये आपके क्या है, एमिन है,
ठीक है, एमिन डेरिवेटिव और एस से सेरोटेनिन को याद रखना था, पी से आपको क्या याद रखना था, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, एक पी से याद रखना था प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसे हम पाप कहते हैं, और एल से ल्यूकोट्राइन्स को याद रखना था, ठीक है। और क्या बचा, अब हमारा पेप्सी, पेप्सी मीन्स पेप्टाइड याद रखना था, बॉय से आपको ब्रेडिकाइनिन याद रखना था, कल से आपको कैनिडिन याद रखना था, ठीक है, और आएगा से एंजियोटेंसिन याद रखना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे आपके ड्रग इजली से याद रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, पाप मीन्स लिपिड, लिपिड मीन्स फॉस्फोलिपिड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, और मैंने आपको सभी ये ट्रिक भी बताया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एचपी की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है द लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय स्पर्म इज, स्पर्म से कौन सा लाइटिक एंजाइम है वो रिलीज होता है। दिया गया है लाइगेज, एक्रोसोम, एंड्रो जीमोन, ठीक है, और दिया गया है आपको हेल्यूरोनाइडेज। तो ये जो हेल्यूरोनाइडेज है वही क्या है, लाइटिक एंजाइम है स्पर्म में। ओके, स्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, ये लाइटिक एंजाइम है, रिलीज होता है स्पर्म से, हेल्यूरोनिक एसिड या हेल्यूरोनाइडेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिग्रेडेशन होता है इनका, डिग्रेडेशन होता है हेल्यूरोनिक एसिड का, ये जो कैटालाइटिक एंजाइम है। ओके, हेल्यूरोनाइडेज ये एंजाइम है जो कि क्या है, एक लाइटिक एंजाइम है जो स्पर्म में प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड इज कॉल्ड, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन, ठीक है। कई बार आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा, जब कभी भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब होता है गॉइटर, जिसको हम घेंघा कहते हैं हिंदी की बात करें तो, ठीक है। तो गॉइटर ही होता है थायराइड की, जब कभी भी जो थायराइड ग्लैंड है आपका इनलार्ज हो जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, उसे ही हम गॉइटर कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Who is known as the father of pharmacy education in India? It means father of Indian pharmacy. Okay, father of Indian pharmacy, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, क्योंकि भाई अब जब इंडिया में आप रह रहे हैं और फार्मा कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आना तो बनता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें नॉलेज होना ही चाहिए आपको। तो यदि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कह सकते हैं, या फिर फादर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की बात करें फार्मेसी में, तो वो है हमारे मिस्टर प्रोफेसर महादेव लाल सराब जी, ठीक है। इन्हें ही एमएल सराब जी को ही क्या कहते हैं, हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच विटामिन इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड टू प्रिवेंट द टिंगलिंग और नंबनेस इन हैंड्स एंड फिट, ठीक है। आइसोनियाजाइड के साथ, जब आइसोनियाजाइड के साथ ये साइड इफेक्ट है जो कि न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें होती है, तो इनके रोकने के लिए, इनके प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है क्या, विटामिन बी सिक्स को, जिसको प्रालिडॉक्सिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आइसोनियाजाइड में क्या प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इनसे होते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन बी सिक्स प्रिवेंशन में पहले ही दिया जाता है, जिसको प्रालिडॉक्सिन हम कहते हैं। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्माकोग्नोसी पार्ट से, ठीक है। एनमोसाइटिक स्टोमाटा एंड टी सेप्ड कवरिंग ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन विच वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। कौन से वोलेटाइल ऑयल ड्रग में टी सेप्ड कवरिंग ट्राइकोम होते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के स्पेशल ट्राइकोम आते ही हैं, इनको कंफ्यूज करने के लिए साथ में आपको दे दिया गया है कि इसमें एनिमोसाइटिक स्टोमाटा भी होता है। तो टी सेप्ड जो आपके ट्राइकोम है वो किस में होते हैं, वो होता है आर्टिमिशिया में, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिमिशिया एनवा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्विक फास्ट हम देख लेंगे, जो आर्टिमिशिया है उसी में प्रेजेंट होता है क्या, आपका टी सेप्ड ट्राइकोम, ये स्पेशल टाइप के ट्राइकोम है, और यहाँ पर साथ ही साथ एनमोसाइटिक इनके स्टोमाटा होते हैं। आगे बढ़ेंगे, सक्सलेन ग्रोथ फ्रॉम हाइलम इन सीड इज कॉल्ड, ठीक है। हाइलम से ये जो आपका सीड है, स्पेशल टाइप के सीड के एग्जांपल है, तो ये जो इनके बीच में हाइलम होता है उनसे यदि कुछ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उनसे सक्सलेन ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहेंगे क्या आपका ये एरिल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग एरिल कहेंगे, जब कभी भी ये एक स्पेशल टाइप का सीड है जब हाइलम से ग्रोथ होता है उसको हम एरिल कहते हैं, और वहीं पर यदि माइक्रोपाइल से ग्रोथ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्सलेन ग्रोथ हो जब माइक्रोपाइल से ओरिजिन होकर तब उसको एरिलोड कहा जाता है, ठीक है। और वर्टी आउटर ग्रोथ हो जब माइक्रोपाइल को लेकर, वर्टी आउटर ग्रोथ को हम कैरेंकल कहते हैं। तो इन सारे टर्म को भी याद रखिएगा, इनसे पूछा जाता है, और इनलार्जमेंट ऑफ यूनिकल को हम स्ट्रोफियोल कहते हैं, इनके एग्जांपल भी याद रखिएगा साथ ही साथ। जैसे एरिल होता है नटमेग में, ठीक है, अरिस्टा होता है आपका किस में, अरिस्टा जिसको ओवन कहते हैं हम लोग, स्ट्रोपैंथस में पाया जाता है, कैरेंकल आपका पाया जाता है कैस्टर में, ठीक है। स्ट्रोफियोल होता है धतूरा और कॉल्जिकम सीड में,
हेयर को तो आप जानते हैं गॉसिपियम मींस कॉटन में होते हैं, ठीक है। और बात करें एरी लोड, तो एरी लोड आपके कार्डोमम में होते हैं, ठीक है, जिसको हम इलायची कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट नोन एंड नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ विच क्लास, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से ही आपको यहाँ पर ध्यान हो जाना था कि ए फॉर एसिटिक एसिड और ए फॉर ऑक्सिन, बात यहीं पर खत्म है ना। ए फॉर एसिटिक एसिड और इनके जितने भी डेरिवेटिव हैं, इनके सिंथेटिक जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या होंगे, एसिटिक एसिड वाले होंगे। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इट मीन ऑक्सिन के ही क्या है, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं प्लांट से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कह लीजिए या फिर फेनिल एसिटिक एसिड, तो ये होते हैं आपके ऑक्सिन्स के ही टाइप होते हैं, जो कि नेचुरल ऑक्सिन है ये। आगे बढ़ेंगे, टिपिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ साइनोजेनेटिक डाइकोसाइड। अब देखिए आपको आंसर यहीं पर मिल जाएगा। अभी आप देखिए, जैसे कि बालजेट टेस्ट दिया गया है, लीगल टेस्ट दिया गया है, किलर किलानी टेस्ट दिया गया है। तो किलर किलानी टेस्ट को किसको के लिए करते हैं, डिजिटक्सो सुगर के लिए किया जाता है ना। अब बालजेट टेस्ट हो गया, लीगल टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट किसके लिए होते हैं, ये आपके लिए ग्लाइकोसाइड के ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है, जो कि क्या था आपका डिजिटल मीन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट हैं बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, पर बचा क्या आपके सोडियम पिक्रेट टेस्ट। तो सोडियम पिक्रेट टेस्ट किसके लिए होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाएगा। अब साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड इट मीन्स क्या हो गया, जो आपके बिटर आलमंड्स हैं ये सारे आते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में, जिसके लिए सोडियम पिक्रेट टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये जो आपके साइनोजेनेटिक मीन्स, ये क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है थोड़ा क्या पॉइजनस, जो कि है एमेगडालिन, ठीक है, एमेगडालिन इससे प्रेजेंट होता है, बिटर आलमंड का जो कि मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रू टैनिन एंड सूडो टैनिन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय, ठीक है। अब ट्रू टैनिन और सूडो, सूडो मीन्स क्या होता है, झूठा, मीन्स जो सच्चा, मतलब जो ट्रू टैनिन है और सूडो टैनिन में यदि हमको डिफरेंस करना है तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर लगाना होगा। अब देखिए दिया है मैच स्टिक टेस्ट, गैम्बर फ्लोरोसेंट टेस्ट, गोल्ड बिटर टेस्ट और ब्राउन टैगर टेस्ट। तो ब्राउन टैगर टेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है। बचा क्या आपका तीनों टेस्ट, तो गैम्बियर फ्लोरोसेंस किसके लिए होता है, मेलीपेल कटेचू के लिए। बचा आपका मैच स्टिक टेस्ट और गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। तो यदि हम बात करें ट्रू और सूडोटैनिन में, तो मेनली किया जाता है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई, यदि हमें ट्रू और सूडोटैनिन में आइडेंटिफिकेशन करना है। इनका एक कॉमन टेस्ट होता है, टैनिन का कॉमन टेस्ट गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किया जाता है। और मैच स्टिक यदि टेस्ट की बात करें, तो ब्लैक कटेचू और पैल कटेचू में मेनली ये ब्लैक जो आपका मैच स्टिक टेस्ट है वो परफॉर्म करती हैं। ओके, बायोकेमिस्ट्री से चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है सोर्स ऑफ पोटेशियम फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कुछ हम इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन भी देखेंगे, इससे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोलाइट यदि बात करें, पोटेशियम कहाँ से ऑब्टेन होगा, ओके, तो दिया गया बनाना, टेबल साल्ट दिया है, सीड और एंड नट दिया गया और चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बनाना, बनाना में प्रेजेंट होता है पोटेशियम, ओके। और कुछ कुछ हम लोग फ्रूट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, जिनसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपको ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि यदि बात करें सोडियम, सोडियम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होगा, आपके जितने भी चीज़ टाइप के हैं, टेबल साल्ट हैं, इनसे ऑब्टेन होता है सोडियम। और यदि बात करें क्लोराइड, तो आपको पता है साल्ट में होगा प्रेजेंट, ठीक है। अब पोटेशियम होगा, बनाना हो गया, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, इनमें प्रेजेंट होता है पोटेशियम, ठीक है। नट्स हैं, सीड हैं, उनमें मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम होता है आपके डेली प्रोडक्ट्स, जैसे डेयरी प्रोडक्ट मीन्स मिल्क वगैरह में, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होंगी। और एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय नियासिन डेफिशियंसी। नियासिन डेफिशियंसी मीन्स क्या है, आपका विटामिन B3, ठीक है, आपका विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं। तो इनकी डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज क्या है, दिया गया जैसे कि रिकेट्स है, नाइट ब्लाइंडनेस है, स्कर्वी है, एनपेलेग्रा। तो चलिए देखते जाते हैं बारी बारी, रिकेट्स की बात करते हैं। तो ये किससे होगा, ये आप कमेंट करते जाइए। चलिए रिकेट्स की आप क्या करेंगे, मेनली कमेंट कर दीजिए। वैसे तो ये विटामिन डी से होता है, मैं आपको बतला दूं। नाइट ब्लाइंडनेस यदि बात करें, तो ये होता है आपके विटामिन ए से, ठीक है, विटामिन ए से होता है। अब स्कर्वी बचा, तो ये होता है विटामिन सी से। और पेलेग्रा होता है किसे, विटामिन बी3 से, ठीक है। पेलेग्रा होता है जिसको हम
पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहते हैं नियासिन को, ठीक है। नियासिन से की डेफिशिएंसी से क्या होगा, पेलेग्रा जैसी डिसीज ये होती है, ठीक है। और देन आगे की चीज़ें मैंने आपको बतला ही दी कि जो आपके और बचे हुए हैं जैसे कि रिकेट्स हो गया, विटामिन डी से होगा, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होगा, और स्कर्वी है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन से जो भी क्वेश्चन आए ज़रूर से सॉल्व करिए इनसे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, एचईसीपी, एनएचईपी के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मैराथन फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5037 मॉडल 10 है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द पाइलोकार्पिन, यस पाइलोकार्पिन कोलर्जिक ड्रग, नेचुरल सबस्टेंस पाइलोकार्पस जेवरेंडी, सोर्स है इसका, यहाँ से जो पूछा जा रहा है हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका जरूर क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो इमिडाजोल किनोलिन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इमिडाजोल एंथायाजोल, है ना, क्या होगा, इमिडाजोल आर्थायाजोल। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, इमिडाजोल थायाजोल स्किनोलिन्स फिनेंथ्रीन इमिडाजोल डाइहाइड्रोफिरॉल। तो इमिडाजोल डाइहाइड्रोफिरॉन डेरिवेटिव होती है ड्रग, इमिडाजोल डाइहाइड्रोफिरॉन डेरिवेटिव होता है यहाँ पर। सो ये जो ड्रग है डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इमिडाजोल एंड डाइहाइड्रोफिरॉन, राइट। सो सी द स्ट्रक्चर डाइहाइड्रोफिरॉन, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपका पाइलोकार्पिन की, है ना, पाइलोकार्पिन, ये है डाइहाइड्रोफिरॉन, डाइहाइड्रोफिरॉन 1, है ना, 2, 3, 4 और 5, राइट। तो ये जो है यहाँ पर डाइहाइड्रोफिरॉन डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, यहाँ पर एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH2 से लिंक है, इसको क्या बोलते हैं, लिंकर मिथाइलिन CH2, इसको बोला जाता है मिथाइलिन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है, अगर X दे दिया तो पूछा जाएगा X क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, NH होता है, CH2 होगा, तो CH2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, ये इमिडाजोल है, है ना, यहाँ पर इमिडाजोल की मॉइटी है। तो इमिडाजोल और डाइहाइड्रोफिरॉन ये दोनों रिंग इसमें लिंक रहता है, किसके साथ लिंक रहेगा, CH2 के साथ, CH2 क्या है, मिथाइलिन, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, ये ठीक है ना, तो इससे लिंक रहेगा CH2 से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दिस वन द डाइहाइड्रोफिरॉन एंड इमिडाजोल डेरिवेटिव, ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5038 क्या है पूछ रहा है, केमिकल नेम दिया जा रहा है ड्रग का, केमिकल नेम है आपका 4-hydroxy-3-hydroxy-4-hydroxy-3-hydroxy-methyl, मतलब 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और 3 पर 3-hydroxy मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोक्सी लगा है, यानी CH2OH लगा हुआ है, साथ में बोल रहा है अल्फा पर टेट्राब्यूटाइल एमिनो मिथाइल, टेट्रा है ना मिथाइल, मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप वहाँ पर लगा है, साथ में बेंजाइल एल्कोहल लगा हुआ है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, है ना, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा ड्रग है, सेलबुटामॉल, टाइलबुटालिन, डाबुटामिन, एम्फिटामिन, राइट। तो यहाँ पर जो भी बेंजाइल एल्कोहल है, बेंजाइल एल्कोहल डेरिवेटिव, ये आपको डिनोट करता है कि ये सेलबुटामॉल का स्ट्रक्चर हो रहा है, सेलबुटामॉल इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर, सेलबुटामॉल जो होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर स्ट्रक्चर सेलबुटामॉल की देखें तो ये स्ट्रक्चर सेलबुटामॉल की है, है ना, यहाँ पर जो है क्या है, ये है बेंजाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं बेंजाइल, और ये है OH, इसलिए इसको कहा गया बेंजाइल एल्कोहल, है ना, बेंजाइल एल्कोहल, और यहाँ पर 4 पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे हम लोग कैटेकॉल में देख रहे थे एडलिन नॉन एडलिन, तो ये नॉन कैटेकॉल में आता है, ये भी पूछा जाता है कि सेलबुटामॉल टर्बुटालिन कैटेकॉल है या नॉन कैटेकॉल है। तो ये जो करेक्ट आंसर अगर कैटेकॉल की टर्म में बात किया जाएगा तो ये नॉन कैटेकॉल में आएगा, नॉन कैटेकॉल में आएगा। और यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, है ना, कायरल कार्बन है एल फॉर्म जिसका एक्टिव होता है लिबोसेलबुटामॉल, है ना, ब्रांकोडायलेटर होता है, और ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है, ये क्वार्टनरी कार्बन के साथ आता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है,
बीटा टू एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, बीटा एगोनिस्ट है ना, बीटा पर बाइंड होगा ये, एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है ये, तो ब्रांकोडायलेटर काम करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द दिस आइसो ब्यूटाइल। नाइट्रोजन कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी अगर बात करेगा नाइट्रोजन का कि सैलबुटामॉल में किस टाइप का नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है साइड चेन में, तो दैट इज द सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट होता है और ये आइसोब्यूटाइल की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, माओ का इफेक्ट नहीं आने देता है, इस पर मोनो एमिनो ऑक्सीडेज का इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इस ड्रग का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये आइसोब्यूटाइल जो है स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, इस नाइट्रोजन को मोनो एमिनो ऑक्सीडेज से बचा लेता है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है नॉन कैटेकॉल है, तो वहाँ पर सी ओ एम टी का इफेक्ट नहीं आएगा। सी ओ एम टी क्या होता है, सी ओ एम टी क्या होता है, कैटेकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफ्रेज इंजाइम, ये इंजाइम जो है इसको मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, जिससे इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इसके, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि साइड चेन क्या लगा हुआ है और केमिकल नेम अगर यहाँ पर दिया गया है कौन सा केमिकल नेम है, तो फोर हाइड्रोक्सी, फोर हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रोक्सी मिथाइल अल्फा टेट्राब्यूटाइल, तो थ्री हाइड्रोक्सी मिथाइल है ना, ये आपका जो है मिथाइल के साथ आ रहा है, और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल राइट, और साथ में मिथाइल बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा हेलो एल्काइल एमीन्स, कौन सा ड्रग जो है बीटा पोजीशन पर हैलोजन लगाता है, मतलब एल्काइल डेरिवेटिव होगा, बीटा पोजीशन पर हैलोजन लगा होगा, तो फिनॉक्सीबेंजामिन, आइसोक्सपुरिन, फिनाइल एफ्रीन, स्यूडोइफेड्रीन राइट। तो ये जो ड्रग है फिनॉक्सीबेंजामिन, ये कैसी ड्रग है जो ए रिवर्सिबली बाइंड होती है, अल्फा ब्लॉकर होती है फिनॉक्सीबेंजामिन, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ए रिवर्सिबल ड्रग, अल्फा ब्लॉकर में बहुत कम देखने को मिलता है जो ए रिवर्सिबली ड्रग बाइंड हो और यूज हो रही हो। ठीक है, अदरवाइज कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाइंडिंग होगी ड्रग, क्योंकि ए रिवर्सिबल होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा ये राइट। तो फिनॉक्सीबेंजामिन में ये हैलोजन के साथ देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका फिनॉक्सीबेंजामिन का स्ट्रक्चर है, अभी आप जैसे एल्कलाइटिंग एजेंट में देखा था, ये जो है ये थाइलक्लोराइड, ये जो साइक्लाइज होकर के ओनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है राइट। तो ये पूछा गया है कि हैलोजन एराइल एल्काइल ग्रुप के साथ कौन है, तो यहाँ पर जो एल्काइल है और ये हैलोजन है, जिसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, तो बीटा पर बीटा एल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो बीटा पर क्या लगा है, ये हैलोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा गया बीटा हैलो एल्काइल के साथ कौन सी ड्रग आएगी, वो है फिनॉक्सी बेंजामिन, फिनॉक्सी ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, ये है फिनॉक्सी, तो फिनॉक्सी में जो है बेंजा मतलब बेंजाइल, ये है बेंजाइल, इसको बोलते हैं बेंजाइल, तो फिनॉक्सी बेंजा एमीन मतलब ये नाइट्रोजन है, टर्सरी नाइट्रोजन आता है ये फिनॉक्सी बेंजामिन, ए रिवर्सिबल ब्लॉकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल ब्लॉकर जो है एजिडिनियम आयन के फॉर्मेशन के साथ होता है, एजिडिनियम आयन कैसे बनता है ये भी देखा जाता है, क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो होता है हैलोजन्स, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो जब सिक्स साथ बाइंड हो जाएगा तो ये क्वार्टनरी नाइट्रोजन हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसी को बोलते हैं एजिडिनियम, ये एजिडिनियम आयन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये अल्फा ब्लॉकर का फिनॉक्सीबेंजामिन एजिडियम आयन बनता है, ए रिवर्सिबल बाइंडिंग के साथ आता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीटा हेलो एल्काइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5040, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये आपका प्रोड्रग का बेस्ट एग्जांपल है सल्फोनामाइड के केस में, और वो प्रोड्रग क्या है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड क्या बाबा है क्या, नहीं पैरा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, तो बेंजोइक एसिड तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये जो है क्वेश्चन होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऐसे ही प्रांटोसिल, यस, सल्फाडायाजिन बिल्कुल नहीं है, सल्फाडायाजिन सल्फा में ऑक्साजोल भी नहीं है, क्योंकि ऑक्साजोल इसमें नहीं लगा हुआ है। करेक्ट आंसर, प्रांटोसिल एक डाई थी, इसी से डिस्कवर किया गया था सल्फनिलामाइड का,
है ना, यहाँ से डिस्कवरी हुई थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रांटोसिल का है, ये प्रोड्रग है, ये डाई था। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस इज प्रांटोसिल। सो दिस वन द स्ट्रक्चर प्रांटोसिल। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये प्रांटोसिल का स्ट्रक्चर है, ये आपका पाबा है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, आर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन पर क्या लगा हुआ है, एमिन लगा है। तो पैरा एमिनो यानी फोर एमिनो, इसको बोल सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फोर एमिनो बेंजोइक एसिड पाबा। प्रोंटोसिल की बात करें, यहाँ पर एजो रिडक्टेज, ये एजो ग्रुप है, एजो ग्रुप जो होता है आपका रिड्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देगा सल्फ एनलामाइड बनता है, सल्फ एनलामाइड प्लस जो है ये आपका ट्राइएमीन के साथ आएगा। तो सल्फा में थक्साजोल की बात करें तो यहाँ पर आइसो ऑक्साजोल, ऑक्साजोल आइसो ऑक्साजोल, सल्फा में थक्साजोल आइसो ऑक्साजोल के साथ है और सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है ये। सल्फा में थक्साजोल की बात करें तो ऑक्साजोल डेरिवेटिव ड्रग के नेम से समझ में आ रहा है कि कौन से एटोसाइक्लिक है, तो ये भी पूछा जाता है सल्फा में थक्साजोल में कौन सा ऑक्साजोल है। और मेथा मेथाक्सा का मतलब कि मिथाइल लगा होगा इसमें, ये मिथाइल लगा हुआ है इसलिए इसको मेथॉक्सा कहा। यहाँ पर सल्फा डायाजिन, डायाजिन डायाएजिन टू नाइट्रोजन के साथ आएगा 1-3 पोजीशन पर, ये पूछा जाता है सल्फा डायाजिन में कौन सी एटोसाइक्लिक रिंग है। तो डायाजिन टू नाइट्रोजन अगर आपको प्रेजेंट दिख गया तो पिरिमिडीन की स्केल्टन हो जाएगी, तो ये आपका पिरिमिडीन है इसलिए सल्फा डायाजिन कहा गया। तो सल्फा में सल्फोनामाइड, और इसका ऐसे भी पूछा जाता है कैसे ऐसे किया जाता है, तो सल्फ डाइएजोटाइजेशन से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5041 की अगर बात करें, स्टेरॉयडल से बात किया गया है, ड्रग क्लासिफाई एंटी एंड्रोजन, है ना, एंटी एंड्रोजन कौन सी ड्रग है, फ्लूटामाइड्स, गोसरेलिन, टैमोक्सिफिन, फॉस्फेस्ट्रॉल, है ना, ये आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है एंटी एंड्रोजन का वो है फ्लूटामाइड, फ्लूटामाइड जो है एंटी एंड्रोजन ड्रग है, राइट। तो ये सीधे सीधे क्लासिफिकेशन से आपका क्वेश्चन है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको देखेंगे, पिडनोसोलॉन, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पिडनोसोलॉन है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एस्ट्रोजेंस है, फोस्ट्रॉल, एथाइलेस्ट्रॉल, टमोक्सीफेन, ट्रोमीफेन आपका सेलेक्टिव है, एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कम करता है, फ्लूटामाइड है, बाइग्लूटामाइड ये आपको पूछा गया था, है ना, ये एंटी एंड्रोजन डेरिवेटिव होती है। और एरोमेटाइज इनहिबिटर में लेप्टोजोल, एरेस्ट्राजोल अगर यूज किया जाता है, एरोमेटाइज इनहिबिटर्स, अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये भी पूछता है कि कौन सी ड्रग है, तो फिर स्ट्राइड और स्ट्राइड दोनों ड्रग जो है आपके 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आते हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन याद करना है और यहीं से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन को पुटअप किया गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द फार्मास्यूटिकल्स। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। आज का हमारा ये वीडियो रहने जाएगा मॉडल पेपर नंबर 10। जी हाँ, इसके पहले आपने 9 मॉडल पेपर देख लिया है और ये होगा हमारा 10वां नंबर। इसमें हमें यहाँ पर अनदर 100 क्वेश्चंस देखने थे, जिसमें से आपने ऊपर के क्वेश्चन देख चुके हैं, केमिस्ट्री आपने देख लिया, कोग्नोसी आपने देख लिया, और अब यहाँ पर हमें इसी को आगे लेते हुए पहुँचना है और 29 MCQs देखने हैं, जिसमें सेक्शन हमारा फार्मास्यूटिक्स रहेगा, DSBM, जुरिस्प्रूडेंस एंड द जनरल अवेयरनेस। यहाँ से टोटल हमें 29 क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, फार्मास्यूटिक्स देख लिया जाए तो पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन, नैनो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बताइएगा, 1 nm, 10 nm, 1 nm, 2, 0.5 mm, μm एंड ऑप्शन डी है 1 μm। तो चलिए नैनो सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन, नैनो मतलब सिंपली आपको समझना, नैनो मतलब क्या रहा है, नैनो पार्टिकल्स जिनका साइज नैनो में है, ये आ रहा है आपका 10 नैनोमीटर, ठीक है, 10 नैनोमीटर, नैनोमीटर्स में जिनका साइज रहेगा, सिंपली आपको समझ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं नैनो सस्पेंशन का साइज क्या रहा है, 10 नैनोमीटर, कोलोइडल सस्पेंशन, कोर्स सस्पेंशन, ये भी आपको देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं साइज ऑफ रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी मतलब कौन सी सपोजिटरी जिसे हम रेक्टल रूट से लेंगे, ठीक है, रेक्टल रूट से लेने वाले सपोजिटरी आपके आ रहे हैं, जिसमें जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोगिस के नाम से जानते हैं, इनका साइज बताइएगा, 1 एंड
टू ग्राम, टू एंड थ्री ग्राम, टू एंड फोर एंड थ्री एंड फोर। चलिए क्या आइडियल साइज रहेगा इनका, वन एंड टू ग्राम। ठीक है, इस साइज के रहेंगे रेक्टल सपोजिटरी। सेप क्या रहेगा तो ट्रॉपिडो सेप, और एडल्ट के लिए दो ग्राम और चिल्ड्रंस के लिए एक ग्राम। ठीक है, ये डिफरेंट सेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरी आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंटर काउंटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, काउंटर काउंटर का यूज बताइए, इसका एप्लीकेशन बताइए, साइज रिडक्शन, क्रिस्टलिनिटी एंड सॉल्युबिलिटी, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड फ्लो प्रॉपर्टी। चलिए, साइज रिडक्शन एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जब भी साइज सेपरेशन एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो काउंटर काउंटर हमें याद आता है। काउंटर काउंटर का यूज़ करके हम किसी भी पार्टिकल्स का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, पार्टिकल का साइज हम और डिटरमाइन करके उन्हें डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंट साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बीटा डैश फॉर्म क्रिस्टलाइजेस आउट द लिक्विफाइड कोका बटर विथ स्टायरिंग एट। ठीक है, अगर हम बीटा डैश फॉर्म ले रहे हैं कोका बटर का, तो कितने टेम्परेचर पर ये लिक्विफाइड हो रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस, 18 टू 23 डिग्री सेल्सियस, 28 टू 31 एंड 34 टू 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए, करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर आपके लिए 18 टू 23 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपको देख लेना है, 28 टू 31 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर हम पूरे कोका बटर की बात करते हैं, तो इस कोका बटर के ये चार डिफरेंट आपके पॉलीमॉर्फ्स बनते हैं, जिसमें से बीटा फॉर्म इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रहता है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा स्टेबल, अगर बोला जाए कि अगर क्वेश्चन आता है कि बीटा कोका बटर का कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको बताना है बीटा फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोम स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय, अगर हम किसी एरोसॉल प्रिपरेशन में देखते हैं तो फोम के स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए किस यूनिट का, किस एक्सपेरिमेंट का या किस इंस्ट्रूमेंट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी रेशनल विस्कोमीटर या बॉब विस्कोमीटर, बॉब कोन विस्कोमीटर। चलिए क्या आएगा यहाँ पर, रेशनल विस्कोमीटर। ठीक है, डेंसिटी यूज़ कर, डेंसिटी मेजर करने के लिए आप विस्कोमीटर का यूज़ करेंगे, और मेनली यहाँ पर फोम स्टेबिलिटी के लिए रेशनल विस्कोमीटर आ रहा है। आईआर की बात करें, यूवी की बात करें, तो नेचर ऑफ प्रोपेलेंट पता करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग फॉर्म। चलिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत ईजी निकल कर चलेगा। रेट लिमिटिंग स्टेप बताइए कहाँ से, डोज रिलीज के लिए। ठीक है, डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज फ्रॉम डोजेज फॉर्म, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग पेनिट्रेशन। तो रेट लिमिटिंग मतलब कौन सा स्टेप में हमें सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, या कौन सा हमारा स्टेप इसे रोक रहा है, ये आ जाएगा आपका ड्रग रिलीज फ्रॉम डोजेज फॉर्म। जितने समय में हमारा ड्रग रिलीज होगा उसके बाद ही हमारा ड्रग यहाँ से एक्ट करेगा। क्लियर, ये सेम अगर हम टैबलेट में बात करते हैं तो टैबलेट के लिए क्या रहेगा, डिसइंटीग्रेशन जो रहता है, यही इसके लिए रेट लिमिटिंग टाइम रहता है, रेट लिमिटिंग पीरियड रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीट एक्सचेंजर्स आर नॉट यूज्ड इन, हीट एक्सचेंजर का यूज हमें कहाँ नहीं पड़ता है, क्रिस्टलिनिटी, साइज सेपरेशन, इवापोरेशन एंड ड्राइंग। तो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जो एक एरिया से दूसरे एरिया की ओर हीट को लेकर जा रहा है। इस क्रिस्टलाइजेशन में भी हमें इसका ज़रूरत पड़ता है, इवेपोरेशन में भी ज़रूरत पड़ता है, और ड्राइंग में भी, बट एक्सेप्ट द साइज सेपरेशन, यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंजर, इस तरीके के डिवाइस का आवश्यकता नहीं पड़ता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इमल्सिफाइंग बेस, इन सभी इमल्सिफाइंग बेस है, मैंने आपको पहले बता चुका है इमल्सिफाइंग बेस क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, तो यहाँ पर बताइए इमल्सिफाइंग बेस इनमें से कौन सा नहीं है, विटोप्सॉल, मेसोपॉल, मैक्रोजेल एंड मासा एस्टेरिनियम, ये कौन से हैं आपके, तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका मैक्रोजेल। ठीक है, विटोप्सॉल की बात करें, मेसोपॉल की बात करते हैं,
ये सभी आपके इमल्सिफाइंग बेसेस हो रहे हैं। बट अगर हम मैक्रोजेल की बात करें, जिसे इन अदर वर्ड हम इसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से भी जान सकते हैं, ये है आपका एक्वस बेस यानी वाटर सोल्यूबल बेस। अगला क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्स इन अ लूज पाउडर इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके द्वारा पता करना है, पैक्ड बल्क डेंसिटी, लूज बल्क डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज एंड ग्रेनुलर डेंसिटी या ग्रेनुलर डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, एंगल ऑफ रिपोज। कैसे मेजर करते हैं, मानकर चलिए हमारा यहाँ हो गया हॉपर, जहाँ से हमने इसमें पाउडर फिल करके रखा है। नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, हम यहाँ से इन पाउडर को यहाँ से हम गिरा रहे हैं। तो गिराते समय अगर ये इस तरीके का एक पाइल का फॉर्मेशन करते हैं, अगर इस पाइल का फॉर्मेशन, अगर इनके बीच का जो एंगल है, एंगल जितना बड़ा रहेगा हमारा फ्लो प्रॉपर्टी उतना ही कम हो जाएगा, और एंगल जितना ही छोटा रहेगा फ्लो प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज का यूज़ करेंगे, कार्स इंडेक्स का यूज़ करेंगे, हॉसनर रिएक्शन का यूज़ करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, अगर दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से या कम्प्लीटली जो मिक्स हो चुके हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए किस मेथड का यूज़ करना है, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इक्विलिब्रियम या डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। चलिए क्या आएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल मेथड के द्वारा ही इन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद रखना है, अगर एसीटोन और वाटर, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन को मिला दिया गया, जो आपस में एक बहुत ही प्योर सॉल्युबल एजेंट होते हैं, आसानी से एक दूसरे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, इस मेथड के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वीजिंग आउट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एज ड्रॉपलेट कैन बी टर्म्ड एज, ठीक है, हमारा क्या निकल रहा है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम अगर हमारे प्रोडक्ट से एज अ ड्रॉपलेट बाहर की ओर निकल रहा है, स्क्वीज आउट हो रहा है, इसे किस फिनोमिनॉन से जानते हैं, इम्बिशन, साइनेरेसिस, थिक्सोट्रॉपी एंड जीरोसॉल्स। चलिए क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका, साइनेरेसिस, ठीक है, साइनेरेसिस पर ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारा डिस्पर्सन मीडियम अगर स्क्वीज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है एज अ वाटर ड्रॉपलेट और एज एनी टाइप ऑफ ड्रॉपलेट, इसे हम इस फिनोमिनॉन के नाम से जानेंगे। अगला देखते हैं, स्यूडोमॉर्फ्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्यूडोमॉर्फ्स किसे बोला जाता है, क्रिस्टल हाइड्रेट सॉल्वेट, आइसोमॉर्फ्स या स्टेबल मॉर्फ पॉलीमॉर्फ्स। चलिए स्यूडोमॉर्फ्स की बात करते हैं, तो इनका सेम अपीयरेंस एज द क्रिस्टल सॉल्वेट्स की जैसा देखने को मिलेगा, क्रिस्टल सॉल्वेट्स को ही हम स्यूडोमॉर्फ्स के नाम से भी जान सकते हैं। अगला सेक्शन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर डिस्प्लेड ऑन स्ट्रीट कॉर्नर, ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप एंड मूविंग व्हीकल्स। चलिए आपने इसे देखा होगा, आंसर तो तुरंत आपको मिल जाना चाहिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट और डिटेलिंग, ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट या ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रिक साइन एंड नियॉन साइन एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। चलिए आंसर बहुत ईजी है यहाँ पर, अगर हम बाहर से हम उसे चलते हुए हमने अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को अगर रोड में हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, पब्लिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं, किसी पब्लिक एरिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं, चलते हुए मूवमेंट करते हुए अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं, किसी तरीके के बस स्टॉप, ट्रेन स्टॉप, एयरपोर्ट, यहाँ पर अगर हम इसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट सिस्टम को बोलते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो आपने बैनर पोस्टर देखा रहा होगा, सड़कों में लगा रहता है इस तरीके का बैनर पोस्टर, देख लीजिए, ये सभी आउटडोर एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आ जाता है। विच वन आर इश्यूड टू कस्टमर्स थ्रू द रिटेलर इन प्रमोशन टू द अमाउंट ऑफ परचेस। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, इनमें से कौन सा चीज क्या हो रहा है, रिटेलर्स से डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है कहाँ पर, हमारे कस्टमर की ओर, फ्री सैंपल, ट्रेडिंग सैंपल या ट्रेडिंग स्टैम्प, कूपन्स एंड प्राइज कॉन्टेस्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए,
ट्रेडिंग स्टैम्प्स आपको ध्यान में लेते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मर्चेंटाइल एजेंट हु नेगोशिएट्स परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज, कमीशन एजेंट, फैक्टर, ऑक्शनर या आपके ब्रोकर। चलिए, ऐसा पर्सन जो किसी, अब यहाँ पर मानकर चलते हैं ए हमारा मैन्युफैक्चरर हुआ ए, और ये हो गया हमारा सी, सी मतलब कस्टमर हो गया। मैन्युफैक्चरर ए ने प्रोडक्ट बनाया और इसे पहुंचाना है डायरेक्ट सी की ओर, लेकिन यहाँ पर एक बैरियर आ जाता है। एक ऐसा पर्सन हमारे पास है जिसका कॉन्टैक्ट ए के साथ भी है और उसका कॉन्टैक्ट बी के साथ भी है, सी के साथ भी है। सी ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये क्या करेगा, बी पहले ए से उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, उसके बाद कुछ प्राइस यहाँ से बढ़ाकर उसे सी तक पहुँचा देगा। एक हिसाब से इनके बीच मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसे ब्रोकर बोलते हैं। आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इज बाउंड इन बाउंड आर इशूड बाय किस कमिश्नर के या किस बॉडी के द्वारा ये इशू हो रहा है, कस्टमर कंट्रोलर या कस्टम कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट या लाइसेंस अथॉरिटी। चलिए, कौन इसे इशू कर रहा है, तो आपके एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमीशन के अंतर्गत ही ये पावर रहता है लाइसेंस इशू करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ एंटीसीरा वैक्सीन डायग्नोस्टिक एंटीजेंस एंड टॉक्साइड फॉर वेटरनरी यूज द फंक्शन ऑफ CDL आर कैरिड आउट एट, ठीक है, अगर हमारे पास एंटीसीरा है, वैक्सीन है, डायग्नोस्टिक एजेंट है, टॉक्साइड है, तो इसका जो आपका CDL होना है किसके अंतर्गत होगा, किस एरिया में होगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। अब देखिए ये क्या हो रहे हैं, सभी आपके क्या हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, कहाँ पर होंगे, यही से आप कोरिलेट कर लीजिए वेटरिनरी से, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। इजातनगर में ध्यान रखना है, और इन इंस्टीट्यूट्स का भी आपको जरूर से याद करते हुए चलना है, किस स्टेट किस सिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, CFR 211 या CFR 211 रिफर्स टू कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211, कोड ऑफ फाइनल रेगुलेशन, कंप्लायंस टू फाइनल रेगुलेशन एंड कंप्लायंस टू फेडरल रेगुलेशन। चलिए, क्या होता है CFR की बात करते हैं, तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के अंतर्गत हमें ये पता चलेगा, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जीपैट में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट कन्विक्शन फॉर इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, अगर किसी पर्सन ने पहली बार ये गलती की कि इसने क्या किया है, फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार इसने गलती की कि आपके इलीगल तरीके से नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जैसे हेरोइन, चरस, गांजा, भांग, हजीस, इन्हें अगर इसने इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया तो इसे किस तरीके का सजा मिलेगा पहली गलती में, तो ये हो जाएगा आपका 10 साल की सजा, 10 साल का जेल या फाइन लगेगा 1,00,000 रुपए का। वहीं अगर सेम गलती इसने दूसरी बार कर किया, अगर दोहराया, तब इसे सेकंड कन्विक्शन में अप टू 15 to 13 years, ठीक है, मतलब जस्ट यहाँ पर सजा बढ़ रहा है, 10 का 20 हो गया, 15 का 30 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर या तो फाइन भी देखिए जस्ट डबल हो गया, 2,00,000 रुपए का यहाँ पर फाइन लग जाएगा इसे। अगला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से देखते हैं, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, रसिया, चाइना, इंडिया या UAE, क्या रहेगा यहाँ पर, रसिया, ठीक है, ध्यान रखना है रसिया, ये इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में बनाया गया पहला क्रूज शिप बताइए, नाम बताइए, गंगा विलास, भारत विलास, हिस्तो ब्रुस्टो एंड भारत कैफे। चलिए,
क्या है, क्रूज शिप, फर्स्ट रिवर क्रूज शिप इंडिया में बनाया गया है जिसका नाम है गंगा विलास। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया जनवरी 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉन्च द बुक टाइटल्ड इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड बाय प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार। ठीक है, किसने इस बुक को लॉन्च किया, इस टाइटल को लॉन्च किया, विक्रम के दोराई स्वामी, मोहन कुमार, ओपी जिंदल एंड नरेंद्र मोदी। चलिए कौन है, किन्होंने ये डिस्क्राइब किया है, किन्होंने लॉन्च किया है, तो ये आ जाएंगे आपके विक्रम के दोरासाई स्वामी। ठीक है, दोराई स्वामी, यह ध्यान आपको रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, यहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023, वर्ल्ड पोलियो डे, इसका थीम बताइए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी इवेंट होता है तो हमेशा उसका एक पर्टिकुलर थीम डिसाइडेड रहता है। 23 का आपको डे बताना है, थीम बताना है, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर द मदर एंड चिल्ड्रन, इरेडिकेट पोलियो माइलिटिस, पोलियो फ्री अर्थ एंड पोलियो फ्री विलेजेस। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन 2023 पोलियो डे का ये क्या है आपका थीम है। डेट आपको ध्यान रख लेना है, 24 अक्टूबर हर साल पोलियो डे के नाम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। चलिए, आपने कई बार मूवी में देखा रहा होगा इस एयरपोर्ट के बारे में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ये इंडिया का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है, जिसकी लंबाई अगर बात करते हैं तो लगभग 4,500 मीटर ये लंबा है। ठीक है, 4,500 आपका मीटर लंबा है, और साथ ही साथ अब इसके पास कम से कम बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर फ्लाइट आती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर है। और साथ ही साथ अगर एक आंकड़े की बात करें, एक स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो लगभग 30 से 40 इंटरनेशनल और नेशनल प्लेन्स मिलाकर 30 से 40 प्लेन्स हर घंटे प्रति आवर यहाँ पर इस एरिया में लैंड करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल नाम बताइए, न्यू दिल्ली, लखनऊ, मदुरई एंड पटियाला। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भी हम यहाँ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो निक नेम से क्वेश्चन बनकर आते हैं, निक नेम से जरूर बनेंगे, ध्यान रखना है। सिटी ऑफ फेस्टिवल की बात करें, क्या जाएगा आपका मदुरई। ठीक है, मदुरई क्या रहेगा, सिटी ऑफ फेस्टिवल या सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे। चलिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे क्या रहेगा, 1 दिसंबर। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, टू मेक अवेयरनेस। ठीक है, सभी को अवेयरनेस देने के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए कि एड्स से किस तरीके से बचा जाए, तो एड्स के लिए प्रोटेक्शन कैसे किया जाए और अपने सोसाइटी को कैसे बचाया जाए, तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम एड्स डे कौन से डेट पर दिया गया, 1 दिसंबर 2023। तो इसका आपको मोटो ये समझ लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एनफोर्सेस द लॉस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लॉस को अगर अमेंड करना है, अगर इनके लॉस में किसी तरीके का सुधार करना है, किसी तरीके का एडिशन करना है, तो कौन सी बॉडी जिम्मेदार रहेगी, FDA, WHO, NDA या FSSAI। तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका यहीं पर, फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। आपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में इसका लोगो भी देखा रहा होगा कि FSSAI जब तक अप्रूव नहीं करती है, कोई से भी फूड मार्केट में नहीं आ सकता, कोई सा भी पैकेट फूड मार्केट में नहीं आ सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में इनमें से कौन सा एजेंट, कौन सा कंपोनेंट आपका प्रेजेंट है, पेप्सिन, HCl एंड लाइपेस। चलिए बताइएगा, लाइपेस, पेप्सिन एंड आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तीनों ही
ये तीनों ही मेन केमिकल कंपोजिशन रहते हैं गैस्ट्रिक जूस के, जिसके कारण आसानी से डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज हो रहा है, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी एंड एनीमिया। चलिए क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी मेनली चिल्ड्रंस में देखा जाता है, इनके टिच से खून निकलने लगता है, ब्लडिंग होने लगता है, ये सभी सिम्टम्स आपके कहाँ से आएंगे, स्कर्वी के। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या लेना है, तो ऐसे फ्रूट्स लें, ऐसा फूड सप्लीमेंट में चलें, ऐसे डाइट में चलें जिससे आपको प्रॉपर क्वांटिटी पर विटामिन सी मिलता रहे, जो कि पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आपके सिट्रस फ्रूट्स के साथ, जैसे ऑरेंज हो रहे हैं, लेमन हो रहा है, जितने भी फ्रूट्स जो खट्टे लगते हैं, जिनका स्वाद खट्टा रहता है, ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, इन सभी से क्या निकल रहा है, विटामिन सी। चलिए विद दिस थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ESIC एग्जामिनेशन, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है, और ऐसे ही आपको आगे बढ़ते हुए चलना है कल के एग्जाम के लिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल, मिलते हैं एक नए सीजन में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द JDC लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली ये लास्ट हमारा मॉडल पेपर ऑफ द ESIC फार्मासिस्ट प्रिपरेशन का, जहां पे हमने बहुत मेहनत की और आपने हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और सारे क्वेश्चंस का आपने प्रॉपर रिवीजन किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, लास्ट टाइम पे ही सही, लेकिन शायद विजिट करेंगे तो फायदा मिल जाए। चलिए तो फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस शुरू करते हैं, जल्दी थोड़ा सा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नीना रिटर्न हाउस आफ्टर 3 डेज अर्लियर देन द टाइम सी हैड टोल्ड हर मदर। नीना कहीं घूमने गई थी और वो जिस दिन बोल के गई उससे 3 दिन पहले आ गई। बढ़िया, मान लीजिए नीना ने यहां आना था, तो नीना यहां ना आके ये हमारा 1, 2, 3 दिन पहले आ गई। चलिए बढ़िया, नीना सिस्टर वीना रीच्ड 5 डेज लेटर देन द डे नीना वॉज सपोज टू रिटर्न। अब सपोज नीना को जिस दिन आना था उसके 5 दिन बाद आई कौन, उसकी बहन वीना आई, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस दिन आई वीना। और क्या बोला जा रहा है, देन द डेट वाज सपोज टू रिटर्न, इफ नीना रिटर्न ऑन थर्सडे, नीना किस दिन आ गई, ये नीना आई है और नीना किस दिन आई है, थर्सडे को, तो बताइए वीना किस दिन लौटी। तो सिंपल कर लीजिए, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, तो आंसर क्या हुआ हमारा, दैट इज द करेक्ट आंसर इज द फ्राइडे। सिंपल है, मतलब आपको खाली पॉइंट को लिख लेना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। नीना रिटर्न होम ऑन द थर्सडे, नीना वॉज सपोज टू रिटर्न ऑन द संडे एंड आफ्टर 5 डेज ऑफ संडे दैट विल बी द फ्राइडे, जिस दिन वीना वापस आई। In the following sequence of the instruction, 1 stand for run, okay, good, 2 stand for stop, 3 stand for go, 4 stand for sit, 5 stand for wait. If the sequence were continued, which instruction will come next? Oh, 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 oh. क्या है सर? देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे पैटर्न देखो तो पहले 4, then 4, 5, then 4, 5, 3, then 4, 5, 3, 1, then 4, 5, 3, 1, 2, यानी एक एक बढ़ता चला जा रहा है। अब इधर आगे चलो, क्या है यहां पे 4 नहीं है, अब सीधे 4, 5, then 4, 5, 3, अब बताइए 4, 5, 3 which instruction will come next। तो अगर मैंने देखा कि 4, 5, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आएगा 1, तो यहां पे आएगा 1, और 1 किसके लिए है, 1 है फॉर द रन,
तो आप सिंपल बताइए अगला कौन सा हो जाएगा, अगला हो जाएगा रन के लिए। मतलब एक आपको पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के बेसिस पे आपको यहां पे आंसर करना है, क्योंकि मैंने पहले बोला पहले फोर था, देन फोर फाइव, देन फोर फाइव थ्री, देन फोर फाइव थ्री वन, देन फोर फाइव थ्री वन टू। अगले में अब जो सीरीज चलेगी फोर अकेले नहीं आएगा, फोर फाइव थ्री, फोर फाइव थ्री वन आ जाएगा, और वन स्टैंड फॉर द रन। यही तो हमारा आंसर हो गया ना, कितना ईजी था ना। इसलिए डरना नहीं रीजनिंग से, रीजनिंग ही तुम्हें बचाएगी और रीजनिंग ही तुम्हें मुकाम दिलाएगी। चलो देखो द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट इन द नंबर, ओके दिस इज द नंबर विल रिमेन सेम व्हेन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। अच्छा इसको दो पार्ट में बांट लो, तो टोटल है कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन है, पांच पांच कर लो, टू फोर फाइव वन फोर, और दूसरा है सेवन नाइन सिक्स थ्री एट। ओके बढ़िया, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या है, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में बना लो, तो वन फोर सॉरी वन टू फोर फोर फाइव बना लिए, बढ़िया। इधर देखो क्या आ जाएगा, थ्री सिक्स सेवन एट नाइन। अब आपसे पूछा गया बताइए कितने ऐसे नंबर हैं जो अपने उसी पोजीशन पे हैं जहां उनको पहले होना था, जहां उनको पहले होना था। अरे भाई साहब एक भी नहीं है, इधर कोई है क्या ना, सो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो अपने पोजीशन पे मैच कर रहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जब आप उनको रीअरेंज कर लोगे, अगर ये वाले नंबर्स को और ये वाले नंबर्स को देखिए, टू की जगह वन, फोर की जगह टू, फाइव की जगह फोर, वन की जगह फोर, फोर की जगह फाइव, कोई नंबर मैच कर रहा है क्या, नहीं। सेवन की जगह थ्री, नाइन की जगह सिक्स, सिक्स की जगह सेवन, थ्री की जगह एट, एट की जगह नाइन, कोई भी नंबर, नो नंबर इज अनचेंज्ड, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो अनचेंज्ड हो, सब चेंज हो गए हैं, करेक्ट। मोहनी वेंट टू द मूवीज नाइन डेज एगो, मोहनी नाइन दिन पहले मूवी देखने गई थी। सी गोज टू द मूवी ओनली थर्सडे, आज ये दिन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन डेज पहले गई थी। और मोहनी जब भी मूवी देखने जाती है वो कब जाती है, थर्सडे को जाती है। तो बताइए आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आंसर क्या होगा, फ्राइडे। मोनी वेंट टू द मूवीज नाइन डेज एगो, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन डेज एगो गई थी ना, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज कौन सा दिन है, सैटरडे, क्योंकि आज नहीं काउंट करोगे, आज से नौ दिन पहले गई थी, तो इसलिए आज का दिन कौन सा हो गया, आज का दिन हो गया सैटरडे हो गया। तो थोड़ा सा नंबरिंग जरूर एक बार देख लीजिएगा कि बात क्या की जा रही है। अ पर्सन हु इज द हस्बैंड ऑफ माई सन सिस्टर इज माई, क्या है, हु इज द हस्बैंड ऑफ माई सन सिस्टर, ये मैं हूं, ओके ये मेरा लड़का है, माय सन, सन्स सिस्टर इसकी सिस्टर है, गुड, सिस्टर है, और सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड, बताइए सिस्टर मेरे लड़के की बहन का पति, मेरा क्या हुआ, इज रिलेटेड टू माय, ऑब्वियसली मेरा सन इन लॉ हो जाएगा, हां जी मेरा लड़का, उसकी बहन यानी मेरी बेटी, और मेरे बेटी का हस्बैंड यानी मेरा सन इन लॉ जाएगा, आएगा, सिंपल है, ब्लड रिलेशन में दिक्कत है क्या। हाउ इज माय सन्स सन्स मदर्स डॉटर रिलेटेड टू मी, क्या है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा सन है, ओके सन का सन है, गुड, सन्स मदर यानी इनकी वाइफ हो गई, इनकी वाइफ हो गई, मदर्स डॉटर, अब ये डॉटर है इनकी, तो बताइए रिलेटेड टू मी, अब ये डॉटर मेरे से कैसा रिलेशन हुआ, भाई मेरा लड़का, मेरे लड़के का लड़का, मेरे लड़के की, मेरे लड़के के लड़के की मां यानी मेरी बहू, और मेरे बहू की बेटी मेरी क्या हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, हुई कि नहीं,
हुई कि नहीं? ऑब्वियसली माई सन्स मदर इज माई सन्स वाइफ, माई सन्स मदर यानी मेरे बेटे की वाइफ, और मेरे बेटे की वाइफ की बेटी मेरी क्या हुई? ग्रैंड डॉटर। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ द अपोजिट टू द थ्री। देखिए डाइस वाले में दो रूल मैंने आपको दिखाया है कि अगर दो डाइस दी गई है तो उसमें आपको देखना है कि कॉमन है कि अनकॉमन है, वो क्वेश्चन पहले कराता आया हूं। लेकिन यहां पे अगर एक ही डाइस हो सर तब कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल रूल है, याद रखिएगा कि अगर डाइस का फ्रंट और उसका बेस दोनों को काउंट करोगे तो सात आएगा हमेशा। अगर जैसे छह के अपोजिट पूछा जाएगा तो सात से माइनस कर दो एक आ जाएगा, पांच के अपोजिट पूछा जाए सात से माइनस पांच कर दो आ जाएगा, तीन के अपोजिट पूछा जाए तो सात माइनस थ्री सेवन माइनस थ्री करोगे तो फोर आ जाएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे डाइस में जो अपोजिट है उनका सम यानी उनका टोटल एड होगा सेवन, और जो नंबर दिया गया है उसके अपोजिट का पूछा जाए उसको सात से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर बड़ा प्यारा सा आ जाएगा। आएगा गुड। इवैल्यूएट 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15। गुड, मैंने बोला पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ही देखिएगा, ये डिवीजन अभी मत करिएगा, और ब्रैकेट के अंदर पहले डिवीजन, तो 15 इंटू डिवीजन करोगे तो 16 इंटू 5। अब यहां पे दोनों मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप कर लीजिए, तो 16 पंचे 80 इंटू 15, 15 अट्ठे 120 यानी 1200, और डिवाइडेड अब पूरा ब्रैकेट खोल के ये वाले को डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 एक कम 7 करेक्ट। यहां बचा कितना 25 और 20 45 450 सात छन 42 पांच छक्का 30 6। हां जी जरा देखिएगा 16 इंटू 75 करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 16 पंचे 80 16 सते 16 पंचे 80 16 छक्का 16 सते 128 16 पंचे 80 16 छक्का 96 16 सते 112 और 112 और 8 120। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 16 इज द करेक्ट आंसर। आया क्या? बिल्कुल आया। और यहीं पे देखिए कंफ्यूजन ये है कि सर कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं कि नहीं, ले जाइए जाने दिया जाएगा, पूरी उम्मीद है अगर नहीं भी जाने दिया जाएगा तो ये मन में ना रहे कि शायद ले जाने दिया जाता वहां पता चल जाए, तो कैलकुलेटर ले जाइए, अगर जाने देंगे वैसे जाने देंगे क्योंकि मैथ है तो जाने देंगे, ले गए सुपर, नहीं ले गए तो बैग में रख दीजिएगा, क्यों रिस्क लेने का कि यार नहीं ले जा रहे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में देखो सीरीज कंप्लीशन है, पैटर्न फाइंड आउट करो। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है 1148। आहा देखो क्या है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। बताइए 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 आएगा, आंसर आएगा कि नहीं? क्या किया जा रहा है, पहले एक नंबर का स्क्वायर, एक का स्क्वायर है फिर एक का ही क्यूब है, फिर दो का स्क्वायर है दो का क्यूब है, फिर तीन का स्क्वायर है तीन का क्यूब है, फोर का स्क्वायर है तो अगला क्या आएगा, फोर का क्यूब आएगा, और फोर के क्यूब में आपको यहां पे 64 आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन सी, सी इज मोर देन डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग। ए डी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, इंपॉसिबल। बी डी से बड़ा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ए मोर देन बी, बी मोर देन सी, सी मोर देन डी। अब बताइए डी बी से बड़ा हो सकता है क्या, ए से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, डी तो सबसे छोटा है, ए सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये सबसे गलत है और इसको सोचने की जरूरत भी नहीं है। कार्तिक वॉक 40 मीटर, डायरेक्शन का है सबसे पहले डायरेक्शन, भूलिए नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम की है। 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, कार्तिक चले 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, चल दिए भाई। टुक अ लेफ्ट टर्न, अब यहां पे जाने के बाद इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, लो भैया लेफ्ट टर्न ले लिए, और कितना चले लेफ्ट टर्न लेने के बाद 20 मीटर चले। ही अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न, यहां पे जाने के बाद लेफ्ट टर्न ले लिए, आ जाओ लेफ्ट टर्न लगा दिए, लेफ्ट टर्न आ गया
अगेन टेक अ लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर गुड 40 मीटर मतलब सेम पोजीशन पे आ जाएंगे हाउ फॉर इन एंड विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग देखो स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है तो आप बोलोगे वेस्ट डायरेक्शन में और कितना जितना ऊपर गए 20 यही आ जाएगा सो 20 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन करेक्ट 20 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन होंगे क्योंकि जहां से चले हैं वापस उसी लाइन में है लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ और डिस्टेंस कितनी होगी जितनी ये वाली डिस्टेंस थी 20 मीटर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर इज गिवन दीज कैरेक्टर्स फॉलो सर्टेन ट्रेंड रो वाइज कॉलम वाइज फाइंड आउट द ओके कई बार हमने क्वेश्चन ऐसे कर भी लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही होगी देखो जरा क्या है यहां पे देखो क्या रूल चल रहा है अगर 96 की बात आप करोगे अगर आप चलो रो वाइज या कॉलम वाइज देखो तो किसमें क्या मिल रहा है 6 हाँ 72 है 8 12 के छान बढ़िया देखो क्या हो रहा है 72 डिवाइडेड बाय 24 बाय 2 यानी मिडिल वाले को हाफ करो और पहले वाले से डिवाइड कर दो तो यहां पे आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 12 यानी 6 सेम दूसरे वाले में देखो 96 डिवाइडेड बाय 16 बाय 2 यानी 8 और यहां पे आ जाएगा 12 96 इधर करो 108 डिवाइडेड बाय y by 2 is equal to the 18 अब आपको यहां पे सॉल्व करना है इसको सिंपल कर लीजिए देखिए कैसे आ जाएगा तो अगर आप कर रहे हो 2 से इसको काट दीजिए हो जाएगा कितना 54 और 54 y निकालना है आपको y निकालना है आपको 16 by 16 कहां से आया भाई अच्छा y by 2 है ना ठीक है 18 आएगा टोटल आपका वहां पे और 54 18 आपको निकालना है कितना आएगा भाई 108 डिवाइडेड बाय y by 2 या x by 2 मैंने सपोज इसको x ले लिया x by 2 इज इक्वल आएगा 18 अच्छा दो यहां गलत काटा सॉरी दो गलत काटा मैंने इसको ऐसे रहने दो इसको ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज कर लो और इजी हो जाएगा चलो देखो इक्वेशन कैसी बन रही है इक्वेशन बन रही है 108 डिवाइडेड बाय y बाय 2 इज इक्वल 18 इधर लेके चले जाइए 36 9 और इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो y इज इक्वल आ जाएगा क्या 12 आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा अगर आप यहां पे 12 रख रहे हो तो 12 by 2 यानी 6 और अगर आप बात करोगे 6 से अब डिवाइड कर दीजिए जरा देखिएगा 6 कम 6 4 बचे 6 8 48 हां जी मेरा आंसर आ जाएगा सो 12 इज द करेक्ट आंसर सिंपल मैंने यहां पे कहां पे गड़बड़ी हो रही थी यही तो हम कर रहे थे तो y by 2 इज इक्वल 108 बटे 18 हां जी बढ़िया 6 आ तो गया आएगा बिल्कुल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप अमंग बुक डिक्शनरी प्रिंटर देखो कोई भी डिक्शनरी होगी वो बुक के अंतर्गत ही आएगी और प्रिंटर अलग आएगा तो अगर मैं इनमें से देखूं ये हो गई बुक ये डिक्शनरी और ये प्रिंटर हां जी सी आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑल डिक्शनरी आर बुक बट प्रिंटर नॉट बुक तो इसलिए प्रिंटर अलग आएगा चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन मिरर इमेज देखो मिरर इमेज अगर पूछा जाएगा या वाटर इमेज पूछा गया है ये जरूर ध्यान दीजिएगा वाटर इमेज पूछा जाए तो जस्ट पलट दीजिएगा मिरर इमेज पूछा जाए तो इस तरह से लिखने लग जाइएगा कैसे आर नेक्स्ट ई नेक्स्ट ए नेक्स्ट एस ओ एन आई एन एंड जी उल्टा कर दीजिएगा समथिंग लाइक दिस कैसे बना आर ई एस देखो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है लेकिन अंतर खाली एस में है ये तो होंगे ही नहीं जी से शुरू हो रहा है
इनमें खाली एस का अंतर है, इसलिए मेरा आंसर दो होगा. एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आपसे पूछा अगर वाटर इमेज होती तो अलग होता, और ये मिरर इमेज है तो आपका अलग होगा. वाटर इमेज में सीधे पलट देते, और सीधे पलट देते तब ये वाला आंसर बनता, वो ठीक था. तो इसलिए वाटर इमेज है या मिरर इमेज, ध्यान दीजिएगा जरूर क्वेश्चन में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस टी कॉफी बेवरेजेस. टी और कॉफी दोनों बेवरेजेस के अंतर्गत आते हैं, यानी सी आंसर आ जाएगा. कुछ नहीं करना है, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया. वेन डायग्राम होता क्या है, मतलब ऑल टी एंड कॉफी आर बेवरेजेस, बोल सकते हैं ना. एग्जैक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिजेंबल्स द वॉटर इमेज. देखो बेटा अब वॉटर इमेज से रिलेटेड है, वो इमिनर इमेज था, इसको सीधे पलट दीजिए, इसको सीधे पलट दीजिए, यानी ये इधर आ जाएगा, यानी ऐसे बॉक्स रहेगा नीचे वाला और ऊपर वाला ऐसे बॉक्स रहेगा. अगर इधर में बात करूंगा पलट जाएगा, तो ये वाला ऐसे बॉक्स होगा, ये वाला ऐसे बॉक्स होगा, ये फुल रहेगा, ये फुल रहेगा. जरा देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये नहीं होगा, ये ठीक है, लेकिन ये फुल वाला गलत है, मतलब भरा वाला गलत है. ये तो बिल्कुल गलत है, ये हाँ जी डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वाटर इमेज में सीधे आपको रिवर्स कर देना है, जो यहां पे है उसी को इधर लेके आ जाइए, पलट दीजिए, पलट दोगे अपने आप आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है. सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. बताइए यहां पे क्या पैटर्न चल रहा है. सो फाइंड आउट द राइट आंसर. यहां पे हमारा क्या मिल रहा है, 64 8, यस दैट इज द स्क्वायर, 8 स्क्वायर विल बी द 64. 289 का अंडर रूट कर दीजिए, सिंपल है. क्या जाएगा, 17 आ जाएगा क्या, 17 आएगा क्या, हां जी 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64. एग्जैक्टली इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेंजर इज रिटन एज द 145237 एंड रैंकोर इज रिटन एज द 745967. हाउ इज रेज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज. ओ हो हो ओके सिंपल है. आर कहां से मिल रहा है, आर आपको इसके लास्ट से मिल रहा है, तो आर की वैल्यू है 7. ए आपको दूसरे पे मिल रहा है 4. जी मिल रहा है चौथे नंबर पे तो 2. ई मिल रहा है उसके बाद यानी 3. 7 4 2 3 कहीं आंसर दिख रहा है क्या, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. कोडिंग की डिकोडिंग है, जो कोड दिया गया उसी के हिसाब से हम अपने आंसर को डिकोड कर लेंगे. व्हेन द टाइम इज 5:40 then what is the angle between the hour hand and the minute hand of a clock? minute angle बताना है. हमने क्या पढ़ा है कि पूरे क्लॉक का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, होता है. अगर एग्जैक्ट आर पे पूछा जाएगा तो हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर मिनट के साथ है तो फॉर्मूला लगाएंगे. क्या है, 30 h - 11 m/2. अब आपको देखो आर कितना दिया गया है, 30 × 5 - 11/2 और मिनट कितना है 40. अब आंसर करोगे तो 150 - 20 और 220 220 आंसर आएगा सर, -70. कभी भी ऐसे माइनस आए ना, माइनस देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे एंगल लो और आंसर करो. जो एंगल आ रहा है वो देखो, आंसर माइनस को मत देखिएगा कि सर माइनस का आंसर आ रहा है, माइनस एंगल कभी नहीं होता है, जाने दीजिएगा. ठीक है, सो इसलिए आंसर इज द 70 आंसर, करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हम पहुंचे रीजनिंग का और इवन हमारे सारे मॉडल पेपर का. जरा देखिएगा, इफ समर इज कोडेड एज द रनर देन कोड फॉर द विंटर. कोडिंग डिकोडिंग है तो जरूर ध्यान से समझिएगा. एस यू एम एम ई आर R U N N E R. देखो R से माइनस वन, ये सेम है जीरो, माइनस वन जीरो जीरो. अब सेम इधर ले लो W I N T E R, क्या करोगे, W का माइनस वन क्या हो जाएगा, U V W होता है ना, तो V आ जाएगा, ये सेम जीरो के साथ उतार दीजिएगा. N का माइनस वन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, तो आंसर यहां पे M K L M N. M का प्लस किया गया है ना, सॉरी
एम का प्लस एन, एम का प्लस एन प्लस आएगा तो एन के बाद क्या आएगा ओ, ओ और टी के बाद क्या आएगा प्लस वन करिएगा, टी के बाद क्या आ रहा है पी क्यू आर एस टी यू ई आर एस सच रख दीजिएगा जीरो के साथ में, क्या बना वी आई ओ यू ई आर, वी आई ओ यू ई आर आंसर आपको मिल जाएगा। सो बहुत ध्यान से इत्मीनान से रीजनिंग के पार्ट करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि रीजनिंग में 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से करोगे जितना हमने पढ़ा है। सो प्लीज बी कूल एंड काम एंड जस्ट रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम विद दिस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर होल टीम। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करते हैं हमारे मॉडल पेपर नंबर 10 का जो लास्ट पार्ट है अर्थमेटिक एबिलिटी, उसके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है इन एग्जामिनेशन प्रेजेंट स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स। ठीक है, इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 लॉस मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, स्टूडेंट अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस एंड स्कोर 200 मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बेटा अपन ने किया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा 80 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर नंबर नेक्स्ट में हमारा था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो आपको यहाँ पर हम पहले टोटल नंबर करते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर अपना एक्स मान लेते हैं अपन और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको करेक्ट मिलते हैं 4x - y इज इक्वल टू 200 है, तो यहाँ से और टोटल नंबर x प्लस y भी क्या होगा बेटा 200 होगा, ये टू इक्वेशंस बन जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, y y कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 400 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू मीन्स 80 आ जाएगा, 80 अपने करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रा एट द रेंडम फ्रॉम पिकअप 52 कार्ड्स आई द किंग और स्पेड। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई, आपको किंग मिलेगा क्या मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें सीधा सीधा अपना 4/13 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है हमारा 4 प्रोबेबिलिटीज हैं आउट ऑफ जो है आपके यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन देखें तो इसका आंसर जो होगा 4/13 रहेगा हमारा। इसका कैलकुलेशन जो होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा 3/52 आएगा, 3 प्रोबेबिलिटीज किंग की रहेंगी और 13 प्रोबेबिलिटी रहेंगी, तो इसको ऐड करोगे बेटा तो ये 16/52 आएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 4/13 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर इज मच ग्रेटर देन 31 एज इट लेस देन 75 देन द नंबर। एक नंबर है, ठीक है, जो आपका क्या है किसी नंबर उससे ग्रेटर देन 31 है और लेस देन 75 है, तो वो नंबर अपन को बताना है भाई। ठीक है, इसमें सीधा इक्वेशन हम डेवलप कर लेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई वो जो नंबर हमारे हैं वो x है, नंबर को क्या एज्यूम किया भाई अपन लोगों ने x एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे देखो 31 लेस देन है तो 31 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, 75 माइनस x हो जाएगा उससे लेस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे भाई मेरे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, हम 31 75 को ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 2 होगा, यहाँ पर 53 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्होंने एवरेज पूछा है, ठीक है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द 3 का जो टेबल होता है बेटा उसका एवरेज पूछ लिया इन्होंने फर्स्ट 5 का, तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 जा 9, 12, 15, इनको अपन को ऐड कर देना है सबको, इन सबको ऐड करके डिवाइड करना है बेटा 5 से, तो हमारा इसमें आंसर निकल के आ जाएगा, तो ये होगा भाई 9, 18 हो जाएगा, 18 प्लस 12 होगा हमारा 30 और ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, तो 5 9 जा तो 9 इज द करेक्ट आंसर, अपना 9 एकदम क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन में दिया गया है टू अनबाइस्ड क्वाइन आर टॉस, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हैंड, हेड की अपन को प्रोबेबिलिटी देखना है, तो सबसे पहले टोटल अगर देखें 2 क्वाइंस हैं तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, देखो हेड हेड भी आ सकता है एक टाइम, ठीक है, हेड टेल भी आ सकता है, ठीक है, टेल हेड आ सकता है, ठीक है,
और आपका क्या आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, फोर प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं अपन से, सिंगल हेड आएगा तो सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी, अगर टोटल हेड देखा जाए कोई भी सिंगल हेड, एक या डबल कोई भी चले, तो 3/4 आएगा इसका आंसर। हेड 3 में आ रहा है, 3/4 अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा, 3/4 क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सम ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2, 4:3, सी गेट 1000 मोर देन द डी, व्हाट इज द वी शेयर, बी का शेयर कितना होगा, ये अपन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी का जो शेयर है उसको अपन एक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहां से अपन लिखेंगे ए का ए बी सी डी, यहां रेशो लिख लो, 5x रहेगा हमारा, 2x रहेगा, 4x रहेगा और 3x रहेगा, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां पर इन्होंने डिफरेंस दे दिया है कि सी गेट 1000 मोर देन द डी, ठीक है, डी से सी के, सी की वैल्यू कितनी है भाई 4x और डी की वैल्यू -3x, कितना वैल्यू दिया है बेटा हमको 1000 दिया हुआ है यहां पर। तो अपन इसको सॉल्व करोगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 1000 मिल गया। अपन से b का शेयर पूछ रहे हैं भाई, b मतलब 2x है तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 2000 इज द करेक्ट आंसर, अपना 2000 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को अपन को, पहले तो सबसे पहले यहां पर देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए मैन राइडिंग हिज बाइसिकल्स, ठीक है, एक भाई व्यक्ति है हमारे जो बहुत मेहनती है, बाइसिकल चलाते हैं और 150 मीटर्स को 25 सेकंड्स में कवर कर लेते, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में बतानी है भाई, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। तो भाई 150 है तो स्पीड का फार्मूला तो आप सब जानते होगे कि नहीं जानते, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड निकालना है, डिस्टेंस भैया 150 है और ये 25 सेकंड में कवर कर लेता है, तो यहां पे हमारा जो इसका आएगा वो आपका सीधा सीधा आएगा 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं है, अब जब अपन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाते थे 5/18 का मल्टीप्लाई करते थे, अब अगर आपको मीटर पर सेकंड को उसमें ले जाना है तो 18/ क्या करोगे 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 18/5 इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली देखो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा, आप सॉल्व भी करोगे तब भी यही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 21.6। क्वेश्चन इजी था बट यूनिट का खेल है यहां पर, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, तो 5/18 का करते हो मल्टीप्लाई, अगर आपको भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सर्टेन सम इन्वेस्ट एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट है 7,803 एट द एंड ऑफ 1 year, द सम इज, सम अपन को निकालना है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना अपन को भाई, सम को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन को मेथड से चलना पड़ेगा पूरा, तभी अपना सॉल्व हो पाएगा। तो देखो सबसे पहले 1/1 देखें, यहां पर आपका टाइम, ठीक है, टाइम की अगर बात करोगे तो भाई हमको 1 year दिया हुआ है, टाइम टाइम कितना दिया है बेटा 1 year दिया है, रेट हमारी कितनी है भाई 4% है, हम देखें गिवन क्या क्या है, और अमाउंट जो दिया गया है हमको, अमाउंट कितना दिया गया है 7,803 दिया गया है, ठीक है। तो इन्वेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन इसमें हाफ ईयरली वाला सिस्टम चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना। तो न्यू रेट क्या हो जाएगी, देखो न्यू रेट को आपको जस्ट हाफ ईयरली बात चल रही है तो 4/2 होगा, यहां पे क्या आएगा हमारा 2% रेट हो जाएगा, हमारा रेट कितना होगा बेटा 2% हो जाएगा। तो अब आपका टाइम जो रहेगा, लेकिन टाइम आपका जो रहेगा 1 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 years, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा बेटा 2 years हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड 2% फॉर 2 years, ठीक है। ये 2 years के लिए पूछ रहे हैं अपन से, ये 1 year के लिए पूछा गया है, हाफ ईयरली एंड एट 1 year देन सम इज। तो फिर इसके बाद आपका यहां पर रिक्वायर्ड रेट फॉर 2 year, रेट फॉर 2 years, 2 years के लिए रेट कितना आएगा ये अपन को निकालना है, रेट फॉर 2 years, तो इसमें रहेगा हमारा 2 years के लिए अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा हमारा फार्मूला बन जाएगा, यहां से अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको, तो सीधा सीधा लिखेंगे यहां पर 2+2, ठीक है, 2+2 2×2/100 इज इक्वल टू, इसका जो न्यू रेट आएगा वो आएगा हमारा 4.04% आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 7500 आंसर हो जाएगा सही। इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं अपन,
यहाँ पे ये देखो टी दिया है आपका वन ईयर, रेट दिया है बेटा 4%, अमाउंट इतना है ठीक है, हाफ ईयरली है तो ये हाफ हो जाती है 2% हो जाता है, टाइम डबल हो जाएगा आपका 2 ईयर्स हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट फॉर 2 ईयर्स ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे 2 + 2 + 2 × 2 / 100, तो हमें नई रेट मिलेगी 4.04% ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 + 4.04% जो है ये इक्वल है किसके भाई 78.03 के, तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो आर एस आएगा नया वो फाइनली निकल के आ जाएगा सम अपना 7500 आएगा, कितना आएगा बेटा 75% आ जाएगा, इसका जब सॉल्व कर लोगे तो हमको मिलेगा 7500 हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद ये एलसीएम निकालना है भाई इसका, तो आप निकाल सकते हो इसमें से 34, 36 ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं अपन से इसमें, जब लोवेस्ट पूछते हैं ठीक है, तो इसमें अपन निकालेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम ऐसा होगा जो सब ये सब डिवाइड हो जाएंगे पूरा 34, 36 तो हो ही रहा है, 40 हो भी रहा है, यही आंसर होना चाहिए हमारा, 360 इज द राइट आंसर। एलसीएम निकालने की मेथड क्या होती है, आपको ये क्या करना है, इनको इस तरीके से आपको पूरा डिवाइड कर लेना है डिविजन में, देखो आपका 2, 2, 2, 3 × 2 गए 3, 3 × 5 तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकाई कर लो ठीक है, ये ऐसा चलता है। एलसीएम में जो वैल्यू आती है वो लार्ज रहती है, एचसीएम में वैल्यू छोटी रहती है, जबकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है ठीक है, ध्यान रखना। ये भाई बोट वाला क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, सिमिलर स्पीड डाउन स्ट्रीम इन द 11 पॉइंट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस दिस, फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द सिमिलर ठीक है भाई, उसने ये दिया है डाउन मतलब अभी वो धारा की दिशा में चल रहा है, जब वो अपोजिट जाएगा तो क्या होगा उसका, अपन से ये पूछ लिया, जब वो अपोजिट जाएगा तो इसमें देखो रेट ऑफ स्ट्रीम इन्होंने अपन को कितना दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर दिया है ठीक है, रेट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू होता है 1/2 स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम, तो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या आएगा 3, इसको माइनस करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर ठीक है, ये सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, 11 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालोगे आप तो सीधा सीधा 8 किलोमीटर पर आवर अपना इसमें निकल के आंसर आ जाएगा, तो देखो इसमें 8 दिया हुआ था अपना, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है अपन को प्रॉपरली, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को रीड करेंगे अपन लोग ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है हमारे लिए यहाँ पर जैसे कि 5 ईयर्स है, 5 साल पहले की बात है भाई ठीक है, एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 45 एंड ई ज्वाइन देम नाउ, द एवरेज ऑफ ऑल 5 इज 49 ईयर्स, हाउ ओल्ड ई इज, इन्होंने ये कहा प्रेजेंट एज अगर बात करें हम ए बी सी डी ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो ये जो रहेगी प्रेजेंट एज तो ये आएगा हमारा 45 × 4 क्योंकि भाई 45 × 4 + ठीक है 4 × 5 ये रहेगा हमारा, तो इनकी टोटल जो रहेगी वो 2000 ईयर्स आएगी सबकी मिला के ठीक है, तो टोटल एज जो है हमारा ये हो गया हमारा 49 × 5 ठीक है, तो ये हो जाएगा 245 ईयर्स हो जाएगा जब उस टाइम पर देखोगे आप, तो यहां से एज ऑफ ई जो आएगी हमारी एज ऑफ ई जो होगी वो होगी 45 ईयर्स हो जाएगा, आंसर क्या होगा एज ऑफ ई 45 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो टोटल प्रेजेंट एज ए बी सी डी दिया हुआ है हमको, इस तरीके से हमने अरेंज किया तो ये आ गया टोटल प्रेजेंट एज ठीक है, आप ए बी सी डी ये पहले आपके 4 थे तब इतनी थी, अब 5 हो चुके हैं तो अब 5 का मल्टीप्लाई होगा बेटा तो इतना आ जाएगा, अब अंतर कितना है जो एड हुआ वही तो ई का एज होगा ना, तो ये यहां से ई की एज निकल आएगी आपको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रीता बॉयज टॉय एट 15 for 10 एंड सेल 10 toy for 15, फाइंड द गेन परसेंटेज, आपको गेन परसेंटेज निकालना है इसका ठीक है। एक रीता ने भाई कोई टॉयस है उनको उसने सेल किया है, तो ये पूरा वही सीधा सीधा फार्मूला इसमें यूज होगा हमारा, लॉस और परसेंटेज गेन का फार्मूला क्या होता है 15 - 10 इनके स्क्वायर आएंगे डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रहेगा, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125% जो कि हमारे ए ऑप्शन में बिल्कुल प्रेजेंट है ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है भाई वो प्रेजेंट है, तो वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस ठीक है, इफ द एच सी एफ ऑफ दिस नंबर 37 देन द ग्रेटर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है भाई ठीक है, तो
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपन क्या देखें, सबसे पहला काम यहां लेट द नंबर को अपन कंसिडर कर लेते हैं, 37A है हमारा और 37B है, ये हमने मान लिया ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कितना है भाई आपका 4107 है, ये दिया हुआ है, तो यहां पर सीधा सीधा देखें तो अपन A इज इक्वल टू B ठीक है इज इक्वल टू 3 ठीक है, ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3 ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 3 आ जाएगा पूरा ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो है जो 3 प्रोडक्ट है इनका ठीक है, तो 37 × 1 आएगा और 37 × 3 आएगा, तो यहां से आपका जो नंबर निकल के आएगा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 111, तो अपना ये आंसर करेक्ट होगा एकदम इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, टू सर्किल्स आर सेम रेडियस, दो सर्किल हैं उनकी रेडियस क्या है, बिल्कुल सेम है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ए एंड बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये आपको बताना है। इसमें आपको बेटा डायग्राम बनाना पड़ेंगे, दो सर्किल रहेंगे हमारे देखो इस तरीके से, ये सर्किल्स दिए हैं हमारे लिए, इनका डायमीटर हमको दिया है फ्रॉम द फिगर ज्वाइनिंग ईओ एंड एपी, और ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा एक ये वाला ईओ पी ट्रायंगल बन जाएगा, तो एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते चले जाओगे आप, एओ की वैल्यू दी गई है, यहां से आपका ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा ठीक है, ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 9 आ जाएगा, ओ एक्स स्क्वायर अपन से पूछा क्या था इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ठीक है, यहां से ओ एक्स स्क्वायर, तो ओ एक्स स्क्वायर डबल है इसका, तो इसमें ओ एक्स जो है हमारा अगर ओ एक्स की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर सॉल्व करोगे आप ओ एक्स का तो भाई 3 आएगा, अब ओ एक्स डबल है तो 3 + 3 होगा तो 6 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्पेटिंग अ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर बोर्ड विद द कार्पेट ऑफ 75 सेंटीमीटर वाइड एट द रेट ऑफ 220 पर मीटर ठीक है, ये उसका रेट है, तो क्या उसमें रहेगा, तो सबसे पहले तो अपन को कार्पेट का जो कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ कार्पेट जो रहेगा वो हमारा एरिया ऑफ द रूम रहेगा, तो ये 8 × 6 = 48 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, विड ऑफ द कार्पेट वो रहेगी 75 है वो उन्होंने सेंटीमीटर में, ये मीटर में कन्वर्ट करोगे 344 मीटर आ जाएगी, लेंथ ऑफ द कार्पेट उस एरिया में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा भाई टोटल 64 ठीक है, और रेट कितना दिया गया है, रेट उन्होंने अपन को दिया है भाई 20, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है, 20 का क्या करना पड़ेगा अपन को मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, तो हमारा आंसर जो होगा फाइनली 660 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ठीक है, मीटर को अपन ने सेंटीमीटर क्यूब में लेके रखा हुआ है, ये नेक्स्ट ये होगा इसका आंसर 1280 होगा इसका कार्पेट वाले का ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अगला, ये मेटल बॉक्स मेजर, उसका मेजर दिया है भाई 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, भाई कितना लगेगा, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये ठीक है, कितना मेटल लगेगा, तो सबसे पहले अपन को एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले लोगों को, ये होगा 20 × 12 × 5 तो ये आ जाएगा हमारा 1200 सेंटीमीटर क्यूब, इंटरनल वॉल्यूम निकालोगे माइनस करना पड़ेगा इसको ठीक है थिकनेस के लिए आपको ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेक प्लेस, तो इसको अपन को माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करके आप कैलकुलेट करोगे दोनों साइड है तो 2 का माइनस होगा इसमें 12 − 2 होगा 5 − 2 होगा ठीक है, ये पूरा चलेगा, इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा हमारा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस कर दोगे तो हमें मेटल का मिल जाएगा, इन दोनों का कितना आंसर आएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेंडर ब्लर ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस सिलेंडर ब्लर इज 50 सेंटीमीटर इन द डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन द हाइट ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व सर्फेस ऑफ द पिलर दैट, आपको बताना भाई ये हमारा कोई पिलर बना हुआ है इसको अपन को कर्व सरफेस को पेंट करना है, और इसकी जो पिलर का जो है ना डायमीटर है आपका 50 सेंटीमीटर है, लेंथ उसकी 3.5 मीटर है, तो सरफेस एरिया इसमें अपन को निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला अपन सब जानते हैं बेटा 2πRH होता है, हमको 2π दिया है, R दिया हुआ है, H दिया, बस यूनिट को सेम कर लेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर लो, स्क्वायर मीटर में दिया तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 50 को इसको अपन क्या करें मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है, इसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो सीधा सीधा इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 5.5 स्क्वायर मीटर, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा अपना, 55 एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर मीटर इज हाइट फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इज द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर एन टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर, व्हाट इज एन इक्वल टू, एन किसके इक्वल है ये पूछा गया। इसमें हमको वही अपने साइन थीटा टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा बेटा। दो टावर हैं आमने सामने लगे हुए हैं, ये दिख रहा है हमको, ये लेट एच हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू आवर्स एन एच हो जाएगा, ये एच तो ये एन एच हो जाएगा। ये हमको 60 दिया गया है मेरे भाई, ये कितना दिया गया, 30 दिया गया। टेन थीटा से सॉल्व करोगे आप तो टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एन एच आएगा, एच एच कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा की वैल्यू रखोगे टेन 30 की वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है, और 1/n तो एन इज इक्वल टू भाई 2/3 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस जो डायग्राम बना ले वो क्वेश्चन कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया 1989 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वेल इट्स लेंथ एंड विड्थ 17 एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टली, हाइट बतानी है यार, तो इसमें क्या है बताइए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक अपन को पता करना है, तीन दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, तो इसमें आपको जब सब कुछ दिया है तो जो नहीं दिया उसको आप निकाल लेते हैं। तो 17 × 13 × h इज इक्वल टू कितना है, ये h यहां से निकाल लो, 1989 / 17 × 13, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसको जहां तक तुम सॉल्व करोगे तो 9 सेंटीमीटर हमारा एकदम आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद ये कार का दे दिया है बेटा, बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 300 किलोमीटर को 15 घंटे में कवर करता है, उसकी स्पीड बता दो भाई, डिस्टेंस लिख लो, ये कर दो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सभी के लिए बहुत बहुत एग्जाम के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पेपर करें, आपको पेपर करना है, सब कुछ आता है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, अपन सबने मिलकर बहुत मेहनत की है बेटा, उसका रिजल्ट अपन को जरूर मिलेगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दें, आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ओके, धन्यवाद।